अब छिन्न संयम के प्रतिसंधान की विधि का उपदेश करते हैं। छिन्न संयम, संयम छिन्न हो गया हो, छिन्न मतलब संयम में कोई दोष लगा हो, तो उसका प्रतिसंधान माने उसको पुनः उस दोष की शुद्धि कैसे होवे उसकी विधि का उपदेश करते हैं। माने संयम के छिन्न होने पर उसका प्रतिसंधान करना माने पुनः उसको जोड़ना, दोष को शुद्ध करना, उसकी विधि का उपदेश करते हैं। अब जो है ना, बहुत बढ़िया गाथा है ये। इसमें जो दोष है, छेद है, संयम का जो छेदन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो बहिरंग छेद और एक अंतरंग छेद, और उन दोनों की शुद्धि का विधान भी अलग है। बहिरंग छेद हो माने छेद मतलब बहिरंग में कोई दोष लगा हो तो उसकी शुद्धि का विधान अलग है, और अंतरंग में दोष लगा हो तो उसकी शुद्धि का विधान अलग है। ऐसे दोनों प्रकार के माने बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के जो दोष हैं उनकी शुद्धि का विधान यहाँ पर बताते हैं। संयम छिन्न हो जाए मतलब संयम में किसी प्रकार का भंग हो, कोई दोष हो, तो उसके प्रतिसंधान मैंने उसको पुनः जोड़ने की विधि बताते हैं। अब देखो गाथा पढ़ते हैं अपन, बहुत जोरदार गाथा है, दोनों गाथा एक साथ है ही। पढ़िए। वयदम हि समारद्धे छेदो समणस्य कायचेत्थं मे जायति जदि तस्य पुनो आलोयन पूव्या क्रिया छेदवजुतो समणो समणं व्यवहारिणं जिनां दम हि आसे चालो चित्ता उपदिष्टं तेन कायवम्। बहुत बढ़िया। हाँ पढ़िए अनिता जी, 211 नंबर की गाथा, अनम्यूट कर लो। यदि प्रयत्न पूर्वक रहे पर देहिक क्रिया में छेद्यो आलोचना द्वारा रे उसका करे परिमार्जन। एक और किंतु यदि अति छेद में उपयुक्त होकर भ्रष्ट हो तो योगी गुरु के मार्गदर्शन में करे आलोचना। देखो, यदि प्रयत्न पूर्वक रहे, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रहे और फिर भी कोई देही क्रिया में कोई छेद हो तो आलोचना द्वारा उसका परिमार्जन कर लें, माने आलोचना करने से उसका परिमार्जन हो जाएगा। यदि प्रयत्न पूर्वक होने पर भी कोई देह की क्रिया से छेद हो जाए, कोई गलती हो जाए, माने देखो बहुत अपन जैसे कोई बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं और फिर भी समझ लो अपने शरीर में कोई कमजोरी हो, कमजोरी वश कोई चीज ढंग से पकड़ने में ना आए, कोई हाथ से गिर जाए जैसे, तो अपन कहते हैं ना कि भाई ये हम हमारी जो है ना बहुत प्रयत्न पूर्वक कर रहे थे, फिर भी क्या करें, फिर भी कोई ये चीज गिर गई, किसी को लग गई, मेरे चलने में आप मेरा पैर आपके ऊपर आ गया गलती से, तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ कि भाई मेरी गलती हो गई। ऐसे ही अत्यंत प्रयत्न पूर्वक क्रिया करते करते हुए भी कोई देह की क्रिया से कोई छेद हो, कोई दोष लग जाए, तो केवल आलोचना द्वारा उसका परिमार्जन हो जाता है। केवल अपनी उसकी आलोचना कर ली, मैंने उसका उन दोषों की अपने स्वयं से भी आलोचना कर ली, ये दोष हुए, ये मिथ्या हो, ये दोष पुनः नहीं करें, इतनी आलोचना से ही उसका परिमार्जन, उसकी शुद्धि हो जाती है। किंतु यदि छेद में उपयुक्त हो जाए, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या दोष है, ये तो सब ठीक है, और छेद में उपयुक्त होकर यदि वो भ्रष्ट हो तो फिर वो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में
अपनी आलोचना करें, माने योग्य गुरु माने जो भी आचार्य परमेष्टि है कोई, उनके मार्गदर्शन में और अपनी आलोचना करें, मतलब गुरु के मार्गदर्शन में करें। यदि स्वयं कोई देह से कोई छेद हुआ हो तो स्वयं आलोचना करके भी उसका परिमार्जन कर सकता है, लेकिन यदि छेद में जुड़ जाए तो छेद में उपयुक्त होकर भ्रष्ट हो तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आलोचना करे, स्वयं से ना करे। समझ में आया? देखो पढ़ते हैं इसका अन्वयार्थ। यदि श्रवण के, पढ़िए सपना जी। यदि श्रवण के प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली काय चेष्टा में छेद होता है तो उसे तो आलोचना पूर्वक क्रिया करना चाहिए। हाँ देखो पहली बात तो आ गई, यदि श्रवण के प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली काय चेष्टा, प्रयत्न पूर्वक का क्या अर्थ है अभी पढ़ दो, देखो टिप्पण से। प्रयत्न पूर्वक कहाँ पे दिए? दिया नीचे टिप्पण नीचे, ये मुनि के मुनित्वोचित शुद्धोपयोग व अंतरंग अथवा निश्चय प्रयत्न है और उस शुद्धोपयोग दशा में प्रवर्तमान हट रहित देह चेष्टादि संबंधी शुभोपयोग वह बहिरंग अथवा व्यवहार प्रयत्न है। हाँ ये दो प्रकार के प्रयत्न है, शुद्धोपयोग व अंतरंग अथवा निश्चय प्रयत्न है और शुद्धोपयोग दशा में प्रवर्तमान देह की चेष्टा संबंधी शुभोपयोग व बहिरंग अथवा व्यवहार प्रयत्न है। जहाँ शुद्धोपयोग दशा नहीं होती वहाँ शुभोपयोग हट सहित होता है, वह शुभोपयोग व्यवहार प्रयत्न को भी प्राप्त नहीं होता। हाँ शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले शुभोपयोग को व्यवहार प्रयत्न कहा है, जहाँ शुद्धोपयोग नहीं है तो शुभोपयोग को व्यवहार प्रयत्न नहीं कहा है, ये बात कहा है। देखो आगे तो एक तो क्या बात कही यहाँ पर कि यदि प्रयत्न पूर्वक मैंने शुद्धोपयोग अथवा शुद्धोपयोग के योग्य यदि शुभोपयोग पूर्वक काय चेष्टा करे, शुभोपयोग पूर्वक की जाने शुद्धोपयोग अथवा शुभोपयोग पूर्वक की जाने वाली काय चेष्टा में प्रयत्न पूर्वक की जा रही है, प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली जो काय चेष्टा है फिर भी यदि उसमें कोई छेद हो जाता है, कोई दोष लगता है तो उसको तो केवल अपनी आलोचना करके ही उसको तो शुद्ध कर लेना चाहिए, मतलब उसको तो आलोचना पूर्वक क्रिया करना चाहिए, इतना ही उसके लिए विधान है कि आलोचना पूर्वक क्रिया कर ले उससे शुद्ध हो जाएगा। और किंतु 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 यदि श्रवण छेद में उपयुक्त हुआ हो तो उसे जैन मत में व्यवहार कुशल श्रवण के पास जाकर आलोचना करके अपने दोष का निवेदन करके वे जैसा उपदेश दें वह करना चाहिए। हाँ किंतु यदि श्रवण छेद में उपयुक्त हुआ हो तो उसे जैन मत में जो कुशल है, व्यवहार कुशल है, ऐसे श्रवण के पास जाकर और उनसे उनके समक्ष आलोचना करके, माने उनके समक्ष अपने दोष का निवेदन करके और वे जैसा उपदेश दे, इतना ही नहीं कि दोषों का निवेदन करने से शुद्धि हो जाए, वे जैसा उपदेश दे वो करना चाहिए। कितनी प्रैक्टिकल बात है, आपने यदि छोटी सी कोई गलती लगी तो खुद से ही शुद्ध हो जाओगे, लेकिन आप बार बार गलती कर रहे हो तो आपको फिर एक जैन मत में व्यवहार कुशल श्रवण की आवश्यकता है, उनके पास जाके और तो शुद्धि होगी, और वो भी जाके इतना ही नहीं, वे जाके उनसे अपने दोषों का निवेदन करे और वे जो दोष का प्रायश्चित देवे, जो भी उपदेश दे वो करो तो उससे शुद्धि होगी। जैसे आपने एक आध बार कोई गलती हो गई, ठीक है बार बार गलती की तो अब आप जाओ अपनी गलती बोलो और वो गलती का जो दंड दिया जाए वो ग्रहण करो, एक आध बार हो जाए ठीक है, नहीं तो बार बार छेद कर रहे हो, छेद में ही उपयुक्त हुआ हो क्या, तो अब तो तुम्हारे को उनके पास जाना जाकर आलोचना करके और फिर जो उपदेश देंगे वो करना चाहिए। समझ में आया? अब देखो टीका,
ठीक है, देखो संयम का छेद दो प्रकार का है। संयम का छेद कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक बहिरंग और दूसरा अंतरंग। मतलब संयम में दो प्रकार से छेद होता है, एक बहिरंग छेद होता है और एक अंतरंग छेद होता है। उसमें मात्र काय चेष्टा संबंधी जो छेद है वो बहिरंग है। मात्र काय की चेष्टा से जो छेद हुआ, केवल शारीरिक जो छेद है, काय की चेष्टा में जो कोई दोष लगा, माने केवल काय चेष्टा संबंधी जो दोष है या काय चेष्टा संबंधी जो छेद है वो बहिरंग छेद, और जो अपने आत्मा में उपयोग संबंधी छेद है वो अंतरंग। उपयोग की तो असावधानी सबसे बड़ी असावधानी, शरीर में समझ लो कोई गड़बड़ी हो जाए, हाथ इधर का उधर भी लग जाए तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा। उपयोग की गलती, उपयोग का छेद वो अंतरंग छेद है और उसका दोष बड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है मालूम, हमारे यहाँ बहिरंग छेद को तो बहुत प्रमुखता दी जाती है और अंतरंग छेद के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा में मेरा उपयोग कहाँ है ये कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैंने यदि समझ लो कोई भी क्रिया ढंग से नहीं की, मैंने हाथ से चढ़ाते समय दोनों हाथ से ऐसे नहीं चढ़ाया, ऐसे एक हाथ से चढ़ाया क्या, अथवा मैंने समझ लो आसी का मतलब कुछ भी काम मैंने किया और वो यदि उसमें देह संबंधी कोई चेष्टा में छेद दिखा तो सब उसको खटाक से पकड़ के बोलेंगे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हाथ लगा दिया थाली को, छू गए उस हाथ से, हाथ धो के आओ, चलो क्या चढ़ाने वाली थाली में हाथ लग गया, चलो। तो वो छेद लोग बहुत बड़े छेद दिखते। एक जना मेरे से बोला मेरी थाली में से चावल गिर गए, अब क्या होगा, आज करोना हो जाएगा और क्या होगा, क्या हो बात करने का, प्रायश्चित क्या है प्रायश्चित, अरे प्रायश्चित एक स्वाध्याय कर दो रोज, ये प्रायश्चित नोट वाला प्रायश्चित है तो बता दो ना, वो कर लेंगे क्या। मतलब आत्मा के हित रूप जो प्रायश्चित होता है वो हमें स्वीकार ही नहीं होता। तुमको तो प्रायश्चित के नाम पे भी क्या करो, कोई बहिरंग में कोई चीजें बताओ उसके, मतलब दोष भी बहिरंग और प्रायश्चित भी बहिरंग क्या। आत्मा की शुद्धि का कोई उपाय नहीं। लेकिन यह कह रहे हैं उपयोग संबंधी जो छेद है वो बड़ा है, वो अंतरंग छेद है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, उसमें यदि भली भांति उपयुक्त, किसमें वो अंतरंग छेद में, माने उपयोग किसका है, आत्मा का, तो आत्मा उपयोग संबंधी छेद है वो अंतरंग आत्मा का छेद है, और काय किस, काय तो देह तो पुद्गल रूप है, तो पुद्गल संबंधी जो छेद है वो बहिरंग छेद है। पुद्गल की चेष्टा में तो क्या है, कभी कभी बिना उपयोग के अशुद्धि के भी पुद्गल की चेष्टा से कोई दोष हो सकता है, जैसे देख के चल रहे हैं फिर भी कोई पांव के नीचे एकदम जीव आ जाए, हिंसा हो जाए, तो वो बहुत बड़ा छेद नहीं है वो, लेकिन फिर भी काय चेष्टा से जीव तो मरे ही है, तो उसका भी कोई दोष है, तो उसका भी अपराध, उस अपराध का प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा। लेकिन वो प्रायश्चित बहुत सरल है, मतलब वो प्रायश्चित वो इतना हार्श नहीं है, बिल्कुल एकदम वो प्रायश्चित मतलब एकदम ही यू कहें कि एकदम नम्र प्रायश्चित है एकदम। और जो जो दोष उपयोग में हुआ है उसका प्रायश्चित बड़ा है क्या, क्योंकि वो अंतरंग आत्मा से दोष हुआ है। ये काया संबंधी दोष है, काय संबंधी चेष्टा का जो दोष है वो बहुत छोटा दोष है, या उसको बहिरंग छेद कहा है। और जो उपयोग अपने आत्मा के अंदर अपने परिणामों में जो दोष लगा है वो उपयोग संबंधी छेद वो अंतरंग छेद है। अब उसमें यदि उसमें मतलब अंतरंग छेद में यदि भली भांति उपयुक्त श्रवण के, उसमें यदि भली बात, उसमें माने इन दोनों छेदों में यदि भली भांति उपयुक्त श्रवण के, जो भली भांति प्रयत्न पूर्वक चेष्टा कर रहा है, ऐसे श्रवण के प्रयत्न कृत काय चेष्टा का कथनचित बहिरंग छेद होता है तो वह सर्वथा अंतरंग छेद से रहित है, इसलिए आलोचना पूर्वक क्रिया से उसका प्रतिकार इलाज होता है क्या। केवल मतलब यदि भली भांति कोई उपयुक्त है अपनी क्रियाओं में और फिर भी उसके और प्रयत्न पूर्वक सब क्रियाएं कर रहा है, फिर भी यदि कोई काय चेष्टा का
कोई यदि कथनचित बहिरंग छेद होता है तो वो छेद चूंकि सर्वथा तो अंतरंग छेद से रहित है, वो छेद केवल बहिरंग छेद ही, उसमें अंतरंग छेद कुछ नहीं है, केवल शारीरिक काय चेष्टा से छेद हुआ है, अंतरंग में कोई भी दोष नहीं लगा है, तो उसका आलोचना पूर्वक क्रिया से ही प्रतिकार हो जाता है, इलाज हो जाता है। समझ में, केवल आलोचना की उससे प्रतिकार हो जाएगा, बस इतना करने से उसकी शुद्धि है। किंतु यदि वही श्रमण उपयोग संबंधी छेद होने से साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है, यदि उपयोग में छेद है मैंने उपयोग में दोष लगाया और छेद में उपयुक्त होता है, इतना ही नहीं कि उपयोग संबंधी छेद हुआ, छेद होने के बाद साक्षात छेद में ही यदि वो उपयुक्त होता है तो जिनोक्त जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई व्यवहार विधि में कुशल जो श्रमण है, क्या जिनोक्त जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई अपनी खुद की बुद्धि से नहीं, भगवान द्वारा कही गई जो व्यवहार विधि है उसमें जो श्रमण कुशल है उनके आश्रय से, मतलब उनके निकट जाकर उनका आश्रय लेकर और आलोचना पूर्वक अपनी आलोचना करके और उनके द्वारा जो विधान अनुष्ठान उपदिष्ट किया है उनके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा फिर जो है संयम का प्रतिसंधान होता है, मैंने पुनः संयम का जुड़ान होता है, जो संयम छिन्न हो गया था बीच में, जो उसकी धारा टूट गई थी, जो संयम की अखंडता नहीं रही थी, वो संयम का पुनः प्रतिसंधान मैंने उस संयम में पुनः श्रवण को जोड़ते हैं। कितना बढ़िया है, कितनी प्रैक्टिकल बात है बताओ। काय चेष्टा जिसको हम बहुत बड़ा दोष मानते हैं उसके लिए तो कह रहे हैं आलोचना से उसका इलाज हो जाएगा। हाँ, उपयोग संबंधी छेद है और यदि उपयोग संबंधी छेद में उपयुक्त होता है तो वो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई जो व्यवहार विधि है उसकी, उस व्यवहार विधि में जो कुशल है इसे श्रवण के पास में जाकर और उनके सम्मुख आलोचना करके और उनके द्वारा दिया गया जो उपदिष्ट, उनके द्वारा उपदिष्टा गया अनुष्ठान जो है उस अनुष्ठान द्वारा ही उस संयम का पुनः प्रतिसंधान मतलब पुनः संयम में वापस से वो श्रवण जुड़ता है, पुनः संयम का प्रतिसंधान होता है। आया समझ में? देखो नहीं आया तो भावार्थ पढ़ते हैं, सरल एकदम। और ये अपने लिए भी है यही चीज, शरीर से कुछ गड़बड़ हो गई छोटा दोष है, लेकिन शरीर से नहीं होके आत्मा से दोष है बड़ा दोष है। क्या बोलो अभिषेक? प्रतिसंधान माने जोड़ना, छोड़ना, जोड़ना, जोड़ना, पुनः जोड़ना, जो संयम छिन्न हुआ उसमें पुनः जोड़ने का प्रतिसंधान करें। देखो अब आगे चलते हैं भावार्थ। पढ़े ज्ञानेश जी भावार्थ। ज्ञानेश जी तो गए होंगे, बोलो नहिल भाई एक सेकंड, प्रश्न कुछ नहीं, बोलो नरेश जी। भावार्थ, यदि मुनि के स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित की जाने वाली अशन शयन गमनादिक शारीरिक चेष्टा संबंधी छेद होता है तो उस तपोधन के स्वभाव स्वस्थ भाव की बहिरंग सहकारी कारणभूत प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है। किंतु यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदन भाव से स्वसंवेदन भाव से च्युत स्वरूप छेद होता है तो उस जिनमत में व्यवहार प्रायश्चित कुशल आचार्य के निकट जाकर निष्प्रभाव से दोष का निवेदन करके आचार्य के निकट जाके निष्प्रंच
भाव से दोष का निवेदन करके वे आचार्य निर्विकार स्वसंवेदन भावना के अनुकूल जो कुछ भी प्रायश्चित उपदेश वह करना चाहिए। देखो क्या कहा, यदि मुनि के स्वस्थ भाव लक्षण सौम्य स्थित रूप भाव लक्षण प्रयत्न सहित की जाने वाली जो क्रियाएं हैं अशन माने भोजन शयन माने सोने की और जो गमना अधिक संबंधी जो भी शारीरिक चेष्टाएं हैं उनमें यदि छेद होता है यदि प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली चेष्टाओं में छेद होता है तो उस तपोधन के स्वस्थ भाव की बहिरंग सहकारी कारणभूत माने स्वस्थ माने सौम्य स्थित रहने रूप भाव की जो बहिरंग सहकारी कारणभूत जो प्रतिक्रमण स्वरूप जो आलोचना पूर्वक क्रियाएं हैं उससे उसका प्रतिकार प्रायश्चित हो जाता है। क्या माने प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार हो जाएगा किसका, जो शारीरिक चेष्टा संबंधी जो छेद है। यदि स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित की जाने वाली यदि वो शारीरिक चेष्टा संबंधी छेद है तो उस श्रमण के तपोधन के स्वस्थ भाव की जो बहिरंग सहकारी कारणभूत है ऐसी प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्वक क्रिया से उसका प्रतिकार प्रायश्चित हो जाता है। इसी बात है प्रतिक्रमण पूर्वक वो आलोचना करे उस आलोचना क्रिया से उसकी शुद्धि हो जाए उसको और आगे जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों क्यों क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने स्व में स्थित रूप रहने भाव से चलित नहीं हुआ। यदि वो उससे चलित हो जाए तो दिक्कत है किंतु वो स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ इसलिए उसका प्रतिक्रमण पूर्वक आलोचना क्रिया से प्रतिकार हो जाएगा। किंतु यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदन भावना से च्युति स्वरूप छेद होता क्या वो जो निर्विकार स्वसंवेदन भावना से यदि वो च्युत हो जाता है तो फिर उसे जिनमत में जो व्यवहार कुशल प्रायश्चित कुशल है ना जो जिनमत में व्यवहारज्ञ माने व्यवहार के जानकार और जो प्रायश्चित आदि विधि में कुशल है ऐसे आचार्य के निकट जाकर और निष्प्रपंच भाव से अपने दोषों का निवेदन करके और वे आचार्य निर्विकार स्वसंवेदन भावना के अनुकूल जो कुछ भी प्रायश्चित उपदेश है वह करना चाहिए। क्या कोई गलती लगी हो तो यदि वो देह संबंधी है केवल तो उसका तो प्रतिक्रमण पूर्वक जो आलोचना क्रिया है उससे प्रतिकार हो जाएगा। क्यों क्योंकि जब वह अभी स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ इसलिए इतने से ही उसका प्रतिकार संभव है। किंतु यदि वह स्वस्थ किंतु यदि वह अपने निर्विकार स्वसंवेदन भावना से च्युत होता है तो फिर उसको जैन मत के अंदर व्यवहार कुशल जो आचार्य है उनके पास जाकर निष्प्रपंच भाव से अपने दोषों का निवेदन करके और वे आचार्य आचार्य भी निर्विकार स्वसंवेदन की भावना के अनुकूल ही प्रायश्चित देंगे जिससे कि इसकी परिणति निर्विकार स्वसंवेदन रूप हो। उन्हें आचार्य भी कितने कृपावंत है जो दंड भी देते हैं वो अपने हित के लिए जो देंगे वो सब कुछ अपने आत्महित के लिए। इस जीव को निर्विकार स्वसंवेदन की भावना हो निर्विकार स्वसंवेदन की अनुभूति हो इस भावना से वे प्रायश्चित आदि उपदेश देते हैं। समझ में आया कौन के पास जाकर जिनमत में व्यवहारज्ञ जो जिनमत में व्यवहार मार्ग को जानते हैं इसे प्रायश्चित कुशल आचार्य के पास जाकर और फिर निष्प्रपंच भाव से अपने दोषों का निवेदन करके और वे आचार्य निर्विकार स्वसंवेदन भावना के अनुकूल जो कोई भी प्रायश्चित उपदेश है वो सब करना चाहिए। फिर उसमें नूनज इनने दिया है लेकिन अब ये तो मेरे लिए कोई ऐसा आवश्यक है नहीं। देखो ये क्या है प्रायश्चित लेने के भी 10 दोषों का वर्णन है शास्त्रों में। तो हम प्रायश्चित तब ले जब बहुत भीड़ हो रही हो बहुत हो अल्लाह हो रहा हो तब हम अपने दोषों का जान करके निवेदन करें ताकि मुझे ध्यान से सुन ही नहीं पाएंगे प्रायश्चित क्या देंगे। अथवा ऐसे प्रायश्चित लेना कि यदि समझ लो इस तरह दोष किसी ने किया हो क्या जैसे हम पूछते ना यदि समझ लो किसी को कोविड हो जाए तो फिर क्या करेंगे तो भाई हो क्या जाए ये बता तू तेरे को खुद को तो नहीं हो गया है क्या। हाँ मेरे को ही हो गया है मेरे घर में एक मिनट जितने भी हैं सबको हो रहा है
तो क्या करें? मेरे मतलब कहने का मतलब है कि दोष की सही में शुद्धि करे तो वो दोषों का उसके खुद को ही भावना हो कि मेरे दोषों की शुद्धि हो। मेरे घर में किसी को हो रहा है इसलिए मेरा बताओ, तो तू खुद क्यों नहीं बोल रहा है कि मेरे को हुआ है? क्यों किसी और के नाम से समझ लो ऐसा किसी को हो तो क्या होगा? समझ लो ऐसा किसी ने अपराध किया हो तो उसका दोष का प्रायश्चित क्या है? तो ये क्या कर रहा है? ये अपने खुद के दोषी नहीं कह रहा है, ये अपने खुद में दोष लगा है ऐसा निवेदन नहीं कर रहा। अभी क्या है कि जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर आजकल ऑनलाइन इलाज कर रहे हैं, आजकल डॉक्टर भी ऑनलाइन हो गए कोरोना के। बहुत सारे आजकल मेरे पास एडवर्टाइज आते हैं क्या ऑनलाइन इलाज, क्या ऑनलाइन इतने अच्छा, उसमें ये भी लिखा है कि कितनी बार वो आपको कंसल्टेशन देंगे और कितना क्या करेंगे, सब पूरा पैकेज लिखा है पूरा। मैंने कहा वाह यार, हिंदुस्तान में जबरदस्त है क्या। अच्छा फिर क्या है उसमें, जैसे घर का एक आदमी ठीक हो गया तो उसको मालूम चल जाता है कि ये दवाइयाँ फिक्स और ये उसके टेस्ट होते हैं, तो खुद ही डॉक्टर बन जाता, 8-10 को ही निपटा जाता। लेकिन वो डॉक्टर गधा गधा आदमी है जो ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया तेरी रिपोर्ट क्या क्यों करी है डॉक्टर ने, वो डॉक्टर जानता है। और हम खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे तो एक आध को निपटाएंगे घर में, और क्या है, और क्या होगा। साहब मेरा तो सीटी स्कैन कराया नहीं तो मैं भी नहीं करूँ इनका है, बोलो। क्योंकि क्या है, बनिया जो है ना, बनिया बनिया बहुत खतरनाक है पैसे के मामले में। बनिया तो डॉक्टर को देख देख के कि डॉक्टर ये इलाज करा रहे हैं तो बनिए का बस चले तो खुद ही डॉक्टर बन जाए, बस इसका डिग्री नहीं और गवर्नमेंट मना करती है। नहीं तो मतलब क्या है कि भाई देखो एक बात मैं बताऊ, सबके बॉडी की सिचुएशन अलग अलग है कि नहीं है? जो दवाई मेरे को दी है वही मैं समझ लो सबको बांट दू तो क्या होगा, एक आध निपटेगा और क्या होगा? जब मेरे को दी वही मैंने ही माँ को दे दी, वही मेरे पिताजी को दे दी। अब पिताजी का खून, पिताजी की स्थिति अलग है, मेरी अलग है, लेकिन अब क्या करें? इसने कहा कि अपने इतने 1000 रुपए बच रहे हैं डॉक्टर के, अपन खुद ही डॉक्टर से इलाज कर, अपन खुद ही इलाज करते हैं। और हमें करना क्या है सब मालूम है मेरे को, कुछ नहीं है, वो 2-4 टेस्ट होते हैं, 2-4 दवाई होती है, वो दे दी। अब वो दवाई उसको रिएक्शन कर गई, सूट कर गई, तो बोलेगा भी किसको? डॉक्टर बोलेगा क्यों क्या दी साहब, ये दवाई किससे पूछ के दी साहब, आपने बताई थी ना इसलिए मैंने भी दे दी। आया तेरे को क्यों दी, इसका कारण अलग है, वो इनको क्यों देंगे उसका कारण अलग है। ऐसे अपन करते हैं क्या होता है लोक में, क्यों ममता जी? लेकिन करते हैं ऐसा, आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कर रहे हैं। 1000-2000 रुपए के पीछे अपनी जान को हथेली पे लेके लोग काम कर रहे हैं। बनिया बनिया तो वहां भी चले जाए वेंटिलेटर पे तो भी पूछेगा क्यों वेंटिलेटर के कितना चार्ज लग रहा है। बनिए को पैसे की पहले चिंता होती है भाई साहब। तो हम इस तरह से यदि करेंगे काम तो मरेंगे ऐसे ही। अब आलोचना करनी है तो अब खुद ही डॉक्टर बन जाए, खुद ही आचार्य से पूछे क्यों साहब, या किसी अन्य मुनिराज से पूछ ले क्यों महाराज, आपको क्या दोष, इस दोष का क्या प्रायश्चित दिया गया कि हमको ये दिया गया? तो बस वो प्रायश्चित खुद ही ले लो, आचार्य के समक्ष निवेदन करने की जरूरत क्या है? क्यों जैसे डॉक्टर के पास बोलने की जरूरत क्या, उसकी फीस बचा ली अपन ने और अपन ने इलाज कर मारा क्या? अब वो हो जाए ठीक तो ठीक है, लेकिन उल्टा बैठ जाए तो जाने के लेने के देने पड़ जाए। तो ऐसे जो प्रायश्चित है वो कभी इस तरह से कि भाई किसी और ने इस तरह का दोष किया हो तो उसका क्या दंड है, ये प्रायश्चित की विधि नहीं है। प्रायश्चित लेने वाला बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम निश्चल भाव से आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर और ये कहे कि मैंने ये दोष लगाए और मुझे इन दोषों की शुद्धि का विधान बताइए,
तो वो दोषों से शुद्ध होगा। देखो बिना माया बिना कषाय के अभाव के दोष दूर नहीं होते हैं, और आप अपने दोषों को ही निवेदन नहीं कर रहे हो तो आप तो मायाचार तो पहले ही कर रहे हो, काहे के दोष दूर होएंगे बताओ। जो आदमी सरल होता है उसके दोष दूर होते हैं, मायाचारी करने वाले के दोष दूर नहीं होते हैं। और ये मायाचारी करता है कि किसी और ने ऐसे दोष किए हो तो उसकी शुद्धि का विधान क्या होएगा। जैसे कोई और को यदि बीमार हो गया हो तो उसकी दवाई क्या है, जो और जिसका जो बीमार हुआ उसको ले क्या उसकी उसकी दवाई उसको बताएंगे। तू कौन होता है आपको मालूम? यूएस में आप किसी और का रिजल्ट नहीं लेके आ सकते, किसी कोई भी चीज नहीं लेके आ सकते, वो खुदा है, उसको खुद को देंगे, तुमको क्यों देंगे। ऐसे ही हम जो है, यदि और किसी ने दोष लगाओ ऐसी बात करती क्यों, तुमने दोष लगाया क्या, तो तुम अपने दोषों का निवेदन करो और उसका प्रायश्चित जो बताया जाए बोलो। तो एक तो ये दोष है कि किसी और के नाम लेकर अपने अपने दोष का निवेदन करना। दूसरा आचार्य परमेश्वर का मूड जानना, अभी वे कैसे मूड में है, अभी बहुत प्रसन्नचित्त मूड में, अभी बहुत प्रायश्चित कम देंगे, ऐसे टाइम पे उनको अपने दोषों का निवेदन करना। अथवा जब आवाज खूब हो रही हो, भीड़ खूब हो रही हो, लोग खूब बातें कर रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं हो, तो उनसे अपने दोषों का निवेदन करना। अथवा कोई दूसरे को उस दोष का दंड देते हुए देखे कि उनको ये दंड दिया है, तो वैसा खुद से ही ग्रहण कर लेना। अथवा अपने बड़े बड़े दोष तो बताना और छोटे दोष को छुपा लेना, अथवा छोटे छोटे दोष बताना और आचार्य समझे और इतने छोटे छोटे दोष बता रहा है ये, अब छोटे तो बता दिए छोटे छोटे और बड़े बड़े दोष बताए नहीं क्या। इस तरह से ये सब प्रायश्चित की विधि के दोष है। ये सब इन सब दोषों को टाल कर जो प्रायश्चित ग्रहण करता है वो वास्तव में अपने अंतरंग छेद को शुद्ध करता है। बोलो मेरे भैया, इसमें क्यों दोष लगेगा, बड़े बड़े दोष बता दिए और छोटे छोटे ना बताए तो? क्यों भैया छोटे क्यों नहीं बता रहे, सब भी बताओ ना, बड़े छोटे सब बता दो। नहीं मतलब वो ऊपर में ये जो यहाँ छोटे और बड़े में तो यही कहा ना कि वो स्वयं आलोचना पूर्वक स्वयं कर सकता है, तो नहीं वो अलग चीज है। यदि छेद में उपयुक्त हुआ और प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है आचार्य के पास, तो फिर उसको सब कुछ देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ये है। अच्छा एक दोष ऐसा भी है कि अपनी दीनता बताकर प्रायश्चित ले, महाराज बहुत ही कमजोर हो रहा हूँ, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, पहले कमजोरी में तो दोष लग ही जाते हैं महाराज जी, आपको जानते ही हो अभी कैसा टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम पे तो दोष लगते ही है, और ऐसा अपनी दीनहीनता बताकर ताकि वे कम दंड देवे, इस तरह से प्रायश्चित लेना वो भी दोष है क्या, सॉरी। तो इस प्रकार से अनेक ये दोष है, आलोचना के 10 दोष है ना, इन सब दोषों को टाल कर और निष्प्रपंच भाव लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, निष्प्रपंच भाव। निष्प्रपंच भाव समझते हैं, निश्चल एकदम सरल चित्त होकर जो अपने दोषों का निवेदन करता है, जैसे बालक होता है ना वो माँ के पास अपने सारे दोषों का निवेदन बिल्कुल निष्कपट भाव से करता है, उसको कोई ये नहीं रहता है मम्मी क्या कहेगी, कछू नहीं, मम्मी मैंने उसको 2 थप्पड़ लगाए, वाह बेटा कितना अच्छा काम करके आया, मम्मी पेंसिल लिया है हमें उसकी, क्या उसकी पेंसिल लिया है हमें, वाह चोर कितना बड़ा अच्छा काम किया तुमने चोरी का। तो माँ के पास बच्चे जैसे अपने सब दोषों का निवेदन करते हैं और माँ उन दोषों को पी जाती है और उसके दोषों की शुद्धि का उपाय खोजती, इसका उपाय क्या है, ऐसी आचार्य परमेश्वर अपने शिष्य द्वारा किए गए जो कहे गए जो दोष है उन दोषों की शुद्धि का उपाय विचारते हैं और उन दोषों को पी जाते हैं, मतलब अन्य किसी से उन दोषों का कथन नहीं करते लेकिन उन दोषों की शुद्धि करते हैं। समझ में आया, ये है। तो ये बहिरंग छेद और अंतरंग छेद के शुद्ध करने का विधान है। ये बहिरंग छेद हुआ हो तो स्वयं आलोचना पूर्वक क्रिया से उसका प्रतिकार हो जाएगा, और यदि क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है, स्वस्थ भाव से चलित हुआ हो तो वो फिर पूरी विधि है उसके लिए, तो कि वो प्रायश्चित कुशल आचार्य के पास जाए
उनके पास निष्प्रपंच भाव से अपने दोषों का निवेदन करे। वे आचार्य जो भी स्वसंवेदन भावना के अनुकूल जो कोई प्रायश्चित दे वो प्रायश्चित ग्रहण करे। ये क्या, और यदि स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है तो आलोचना पूर्वक प्रतिकार हो जाएगा, यदि स्वस्थ भाव से च्युत हुआ है तो उसे ये सब काम करना होगा। जिन मत में व्यवहार प्रायश्चित कुशल आचार्य के पास जाकर निश्चल भाव से दोषों का निवेदन करके वे आचार्य जो प्रायश्चित उपदेश वो ग्रहण करना चाहिए, और वे आचार्य भी जो उपदेशेंगे वो अपनी स्वसंवेदन भावना के अनुकूल ही देंगे, जिससे हमारी स्वसंवेदन भावना, हमारी वीतरागता, हमारी निर्दोषता, हमारा रत्नत्रय पुष्ट हो, ऐसे ही वे प्रायश्चित देंगे। वे ऐसा प्रायश्चित नहीं देंगे जिससे आत्मशुद्धि न हो, बस केवल एक कुछ भी दे दिया उसको, ऐसा नहीं। उस छपक के योग्य जो भी शुद्धि जिससे हो उसकी, और उसकी वीतरागता बढ़े, रत्नत्रय बढ़े, ऐसा दोष उसको, ऐसा दंड उसको दिया जाएगा। बहुत आचार्य भी इसलिए बहुत महान होते हैं, वे प्रायश्चित कुशल होते हैं, अपनी प्रायश्चित विधि के ज्ञाता होते हैं, शिष्य की योग्यता देखते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखते हैं, और ये सब बातें विचार करके वे उसे वे ही प्रायश्चित देते हैं जो उसके दोषों की शुद्धि करता। समझ में आया? दो प्रकार के छेद हुए यहाँ, बोलो पूर्वी। तो मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में भी दोष हो जाते हैं क्या, कि वो गुणस्थान से गिर जाते हैं उस समय? हाँ, हो सकते हैं दोष। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जब तक है तब तक तो देखो बहुत छोटे छोटे दोष लगेंगे, लेकिन वो तीन कषाय चौकड़ी से च्युत हो जाए तो भी उसको ऐसा नहीं कि उसको फिर कहेंगे अब तो तू चौथे में आ गया, घर जाओ, घर जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं। उसको बराबर उसको पुनः उसके दोषों की शुद्धि करके उसको पुनः छठे सातवें में स्थापित करने का काम करेंगे। अगर किसे प्रपंच रहित लिखा है तो मतलब ऐसा तो नॉर्मल व्यक्ति को ही प्रपंच कम होते हैं, मतलब श्रावक को ही, तो मुनिराज के लिए भी प्रपंच रहित ऐसे एक्चुअल में क्या है, इस तरह की यदि प्रपंच करेगा तो गुणस्थान तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन गिर गया गुणस्थान तो उससे उसको पुनः उसको उस गुणस्थान में आरोहण करने का उद्यम करें। और कोई प्रश्न किसी का? मैं पूछू आप लोगों से, बहिरंग छेद क्या है? बोलो अभिषेक, क्या पूछ रहे हो? सर ये छठे गुणस्थान में देते होंगे ना, मतलब वो मुनिराज को छठे गुणस्थान में देते होंगे वो? हाँ, छठे सातवें गुणस्थान में देते ना, और फिर तब फिर वो बाद में चढ़ते होंगे फिर वो ऊपर। हाँ नहीं, देखो ऐसा है कि छठे गुणस्थान में भी कोई सूक्ष्म दोष लगते हैं जो भी दंड होते हैं तो उसका आचार्य परमेष्टि के मतलब उसका प्रायश्चित लेते हैं। यदि वो छोटा मोटा दोष है तो आलोचना बोलो, वो बड़ा है तो उसकी अपने गुरु के पास जाकर दोष का निवेदन करके जो जो भी प्रायश्चित देवे जो दंड बताए उस दंड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हाँ और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, अब आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बहिरंग छेद क्या है? और छेद दो प्रकार का है, बहिरंग छेद और अंतरंग छेद। बहिरंग छेद क्या है और बहिरंग छेद के प्रतिसंधान की विधि क्या है, अंतरंग छेद क्या है और उसके प्रतिसंधान की विधि क्या है? छोटे छोटे से प्रश्न एकदम। बोलो तरुण। बहिरंग छेद वो है कि जब उपयोग तो उपयोग में कुछ न हो और जो काय चेष्टा है प्रयत्न पूर्वक काय की चेष्टा करने पर भी तो काय से कोई दोष हो जाए। काय तो एक एक शब्द बोलो, काय चेष्टा छेद व बहिरंग छेद और उपयोग चेष्टा उपयोग संबंधी छेद वो अंतरंग छेद है। बस अभी बहिरंग छेद की शुद्धि का उपाय क्या है? बोलो बोलो पूर्वी। बहिरंग छेद की शुद्धि का उपाय स्वयं की आलोचना है।
हाँ स्वयं की आलोचना पूर्वक उसका प्रतिक्रमण करके उसकी शुद्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और अंतरंग के लिए जो मतलब श्रमण है उनके द्वारा उसका प्रायश्चित किया जाता है, मतलब उनके साथ इनके साथ जो श्रमण है मतलब वर्ड के ना मतलब गुरु के पास जाकर अपने दोषों का निवेदन करके और फिर वे जो प्रायश्चित उपदेश है उसे ग्रहण करना चाहिए। ये अंतरंग क्षेत्र के प्रति। एक चीज और पूछनी थी सर कि मतलब ये सेल्फ जज ही करना पड़ेगा ना कि मतलब ये आलोचना लायक चीज है कि प्रायश्चित लायक चीज है, मतलब ये सेल्फ असेसमेंट ही करना पड़ेगा कि अब इसके लिए आलोचना होनी थी कि प्रायश्चित होना। अब भी ये सेल्फ असेसमेंट कि ये और इसे इसमें दिखता है शरीर संबंधी जरा सी बाहर की चेष्टा है तो वो बहिरंग छेद दिख ही रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा दोष है। और जो अंतरंग दोष है वो अपने को दिखता है कि ये दोष है, इसका शुद्धि करना आवश्यक है। यथासंभव इसको टाइम रहते शुद्ध कर लिया तो बढ़िया है, ये तो दोष बाद में बढ़ेगा। इसलिए वे स्वयं भी जो है उन दोषों से मतलब स्वयं ही खुद ही उसका एनालिसिस कर सकते हैं ना, वो खुद ही करते ही ना। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो उनको इतना तो एनालिसिस करेंगे, दूसरे को तारने वाले स्वयं तो तरने ही वाले। और कोई अब आगे देखो क्या कहते हैं। अब श्रामण्य के छेद के आयतन होने से परद्रव्य प्रतिबंध निषेध करने योग्य ऐसा उपदेश करते हैं। जो छेद के आयतन है ना, छेद के स्थान है, यानी जिनके कारण से छेद होता है, चाहे वो बहिरंग छेद हो चाहे अंतरंग छेद हो, जो छेद के स्थान है कौन है ऐसे स्थान के, ऐसे जो स्थान है वो है परद्रव्य का प्रतिबंध। तो परद्रव्य का प्रतिबंध भी छेद का स्थान होने से निषेध करने योग्य, मतलब परद्रव्य का प्रतिबंध चूंकि छेद का कारण है इसलिए वो परद्रव्य का प्रतिबंध भी निषेध करने योग्य ऐसा उपदेश करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो जो छेद के कारण है उन सब का वो सब निषेध करनी होगी, जिससे अपराध हो सकता है ऐसे जो भी बहिरंग कारण है वे सब बहिरंग कारण निषेध करने योग्य ऐसा उपदेश अब करते हैं। वे कल करेंगे अपन, आज इतने रखते हैं। कर लीजिए जवानी के ज्ञान ते सुजे लो कालो सुवाणी मस्तक सदा दे नमो ओरियंताण नमो सिद्धान नमो वायु नमो लोय संसारण द्वादश जय जय धर्म की जय जय जिनेंद्र।